स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट जो है आपकी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर ट्वेंटी एट डेट है ट्वेंटी एट अक्टूबर सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश और क्लास है एट्थ यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपने टीचर का नाम लिखना है ठीक है स्टूडेंट्स तो यहाँ पर देखिए जो टेंस है वो क्या है कॉन्टीन्यूस टेंस मतलब जो टेंस हम पढ़ रहे हैं उसे कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हमने लास्ट की तीन वर्कशीट में फर्स्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था इनडेफिनेट ठीक है फिर हमने पढ़ा कॉन्टीन्यूस फिर हमने पढ़ा परफेक्ट परफेक्ट टेंस फिर हमने फिर आज हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस ठीक है बच्चों तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस टेंस इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्शन विच बिगेन एट टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल इज कंटिन्यूइंग तो ये ऐसे टेंसेज होते हैं जो हमने पहले मतलब पास्ट में जिस काम को शुरू किया था और वह अभी तक कंटिन्यू चल रहा है ठीक है तो हम इसको यूज़ करते हैं मतलब जब हम टाइम रिप्रेजेंट करते हैं तो टाइम के लिए हम फोर यूज़ करते हैं फ़ोर इज़ यूज़ टू रेफर टू अ पीरियड ऑफ टाइम फोर क्या है एक टाइम ऑफ पीरियड दिखाता है एग्जाम्पल दे हैविन प्लेइंग फॉर टू आवर्स मतलब वो वे अब्द दो घंटे से खेल रहे हैं सेंस इज़ यूज टू रेफर ए स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम जो सिंस यूज़ होता है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ होता है लाइक दे हैव बिन प्लेइंग सिंस फाइव ओ क्लॉक वे लोग पाँच बजे से खेल रहे हैंज़ इज यूज टू यूज़ हेज़ के साथ यूज़ होगा ही इट के साथ सिंगुलर के साथ ये तो मैंने आपको बताया था लास्ट वर्कशीट में ही मॉर्निंग में मतलब जो लास्ट वर्कशीट आई थी आपकी मंडे की उसमें बताया था उसके बाद क्या है बच्चों हैज सिंगर के साथ आता हैव प्लूलर के साथ आता है ठीक है ना अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैवीन हैज अप के साथ कहगा बच्चों वीन वर्फ की फर्स्ट फॉर्म आएगी आएगी और आई एन जी ऑब्जेक्ट ठीक है तो देखिए आई ये हो गया सब्जेक्ट हैज़ बीन सॉरी आई के साथ क्या आता हैव टू हैव बीन स्टडी और प्लस आई एन जी टू स्टडिंग इंग्लिश ठीक है आई हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश हैव आई बीन स्टडिंग इंग्लिश तो ये हो गया अब आते हैं पास्ट की तरफ तो पास्ट में क्या आता है बच्चों हैड आता है तो हैड बीन परफेक्ट है फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी ऑब्जेक्ट आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश आई हैड नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश हैड आई बीन स्टडिंग इंग्लिश तो ये इस तरीके से कर लेंगे आप नेक्स्ट है फ्यूचर फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है सब्जेक्ट शेल विल शेल विल आपको पता है शेल आई और बी के साथ आता है विल बाकी सब के साथ आता है शेल विल हैव बीन ठीक है इसके साथ क्या आएगा हैव बीन वर्व की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ऑब्जेक्ट आई शेल विन आई शेल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश आई शेल नॉट हैविन स्टडिंग इंग्लिश आई शेल शेल आई हैविन स्टडिंग इंग्लिश से करेंगे आप चलिए आगे चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्व वर्व की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है तो ये क्या है बच्चों प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रजेंट परफेक्ट में क्या आता है बच्चों हैज़ हैव और उसके साथ हैज हैव के साथ क्या आता है बीन आता है ठीक है ना देखिए यहाँ पे था हैव हैज़ हैव के साथ बीन देन नाउन सॉरी वर्व और आई एन जी तो यहाँ पे आएगा प्रेजेंट है और शी शी के साथ क्या आता है हैज़ तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैज़ शी बीन कुक का क्या होगा बच्चों कुकिंग सी डबल ओ के आई एन जी कुकिंग ठीक है नेक्स्ट है एट डैट टाइम ही ये है पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में क्या आता है बच्चों हैड ही हैड बीन हैड बीन राइट का क्या होगा राइटिंग राइटिंग अ नॉवल फॉर टू मंथ्स ठीक है अब आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन साहिल टुक रेस्ट आफ्टर ही डैश प्ले फॉर टू आवर्स पास्ट परफेक्ट है ये भी तो यहाँ पे भी आएगा ही हैड बीन प्लेइंग ठीक है ही हैड बिन प्लेइंग फॉर टू आवर्स अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ ही डैश स्लीप फॉर फाइव आवर्स भाई पाँच घंटे से सो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा ही हैज़ बीन स्लीपिंग एस डबल एस एल डब्लू पी आई एन जी स्लीपिंग फॉर फाइव आवर्स ठीक है आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन द रेन डैश स्टॉप बाय टमोरो तो इसमें फ्यूचर है फ्यूचर परफेक्ट तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा बच्चों विल द रेन विल वीन स्टॉपिंग बाय द टमोरो ठीक है अब आगे सिक्स क्वेश्चन ही सैड डेट ही डैश हेयर फॉर सिक्स मंथ उसने कहा कि वह जो है छः मंथ से यहीं है तो पास परफेक्ट तो पास परफेक्ट में क्या आएगा ही हैड बीन लिविंग एल आई वी आई एन जी लिविंग ठीक है साक्षी डैश नॉट डू हर होमवर्क फॉर अ वीक नाव तो पास्ट परफेक्ट तो साक्षी के साथ क्या आ जाएगा हैड नॉट क्या आएगा है बच्चों हैड नॉट बीन डूइंग आई एन जी फॉर्म आएगी तो क्या आएगा बच्चों डूइंग ठीक है डूइंग आउट वेन यू सॉरी डूइंग हर होमवर्क फॉर आ वीक नाउ ठीक है बच्चों तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश दे डैश गो आउट व्हेन यू कॉल्ड तो यहाँ पे पास परफेक्ट है तो पास परफेक्ट में तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हैड हैड दे बीन गोइंग ठीक है बीन गोइंग नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही इसमें फ्यूचर है तो इसमें आएगा फ्यूचर में विल हैव बीन स्टडिंग क्या आएगा बच्चों स्टडिंग इन द स्कूल फॉर फोर ईयर्स अब आते हैं ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पे पहले दे आएगा क्या बच्चों विल ही हैव बीन प्रैक्टिसिंग ठीक है फॉर टू आवर्स बाय फोर ओ क्लॉक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेवेंथ इसमें ही डैश नॉट वर्क देयर फॉर फाइव डेज तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है आता है तो ही के साथ क्या आएगा बच्चों ही हैज़ बीन ही हैज़ नॉट ठीक है ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग नेक्स्ट ट्वेल्व आएगा दे डैश सिंग अ सॉन्ग सिंस थ्री ओ क्लॉक तो पास परफेक्ट है तो यहाँ पर आएगा दे हैड बीन सिंगिंग एस आई एन जी आई एन जी सिंगिंग ठीक है अब आगे चलते हैं तो इसमें आएगा इसमें है देखिए प्रजेंट परफेक्ट तो प्रजेंट परफेक्ट में क्या आता है बच्चों यू के साथ क्या आएगा यू के साथ आएगा आपका हैव यू क्या है प्लूरल है तो इसलिए हैव हैव यू वीन वेटिंग ठीक है क्या आएगा वेटिंग डब्ल्यू ए आई टी आई एन जी वेटिंग हर वेटिंग हेयर फॉर टू आवर्स ठीक है नेक्स्ट है यहाँ पे यहाँ पे भी पास्ट परफेक्ट तो है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट में क्या आता है बच्चों हैड आता है तो यहाँ आएगा हैड दे टॉकिंग टॉकिंग वेन आई एम अवे बाय सिक्स ओ क्लॉक आई डैश फॉर थ्री आर्स फ्यूचर तो आई के साथ क्या आता है शेल आई शेल हैव बीन रीडिंग ठीक है बीन रीडिंग ठीक है बच्चों तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और साथ ही साथ हमारे चैनल पे जो है राइटिंग कंपटीशन चल रहा है और आपका वीकली कॉन्टेस्ट जो कि हमेशा चलता है तो इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बाय बच्चों टेक केयर